और चलिए इन तस्वीरों के साथ वडोदरा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो हमने पहले भी आपको दिखाई है। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं कि कैसे एक साथ चार से पांच मगरमच्छ, एक मगरमच्छ जो सबसे आगे है वो अपने शिकार को साथ लेकर जा रहा है। और ये कोई नदी का इलाका नहीं है, बताया जा रहा है ये रिहायशी इलाके के आसपास की स्थिति है, जहां पर मगरमच्छ पानी में इस कदर है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और एक तस्वीर और सामने आई है जहां बिल्कुल घर के भीतर पानी के साथ बहता हुआ मगरमच्छ घर के भीतर तक आ गया है। तो ऐसे में लोगों में डर की स्थिति भी है, और साथ ही लोग यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी निकले उनके आसपास से, साथ ही साथ बारिश की स्थिति कम हो तो कम से कम जो हालात बने हुए हैं वो ना रहें। बाढ़ में मगरमच्छ इसी तरीके से नदियों में, घर के आसपास, रिहायशी इलाकों में इसी तरीके से दिख रहे हैं। और केवल गुजरात के वडोदरा में ही नहीं, बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर जहां पर भारी बारिश का दौर जारी है, यहां पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है, वहां पर कुछ यही हालात बने हुए हैं। और वन विभाग साफ कह रहा है, माफ कीजिएगा, मौसम विभाग साफ कह रहा है कि आने वाले समय में भी गुजरात समेत आसपास के कई राज्यों में यही स्थिति बनी रहेगी, इसी तरीके से बारिश रहेगी। अभी ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, और घर से जब तक बहुत जरूरत नहीं हो तो ना निकलें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वडोदरा की, गुजरात के, जहां पर पांच मगरमच्छ एक साथ पानी में दिखाई दिए हैं। और ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहा है इस वक्त, ये 29 अगस्त की तस्वीर है, जहां पर रिहायशी इलाके के आसपास मगरमच्छ को देखा गया। लोग उसे हटाने की अपने स्तर पर ही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह कैसे जल्द से जल्द इस मगरमच्छ को। और ये जो गुजरात की तस्वीर की मैंने जिक्र किया था आपसे कुछ देर पहले, ये घर का इलाका है, ये घर है, बिल्कुल घर के भीतर पानी के साथ बहता हुआ मगरमच्छ आ गया है। आसपास गमले बिखरे हुए, जिससे आप समझ सकते हैं कितनी फ्लो से पानी घर के अंदर आया था। ये एक और तस्वीर 29 तारीख की आपको दिखा रहे हैं, ये जंगल का इलाका नहीं है, ये आप देख रहे हैं पीछे रहने वाले लोग हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बिल्कुल आगे बिल्कुल इसके मगरमच्छ है। अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो कितना डर उनमें है, इनको देखकर आप समझ सकते हैं। और ये नदी के किनारे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी कुछ यही स्थिति है। 29 तारीख की भी ये भी तस्वीर है, एक और बड़ा मगरमच्छ यहां पर छत पर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल नदी से सटा हुआ ये घर है, नदी के किनारे ये घर है और वहां छत पर मगरमच्छ आप देख रहे हैं। और ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे लगातार भारी बारिश के चलते मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, पानी के साथ, पानी के बहाव में। और ऐसे में लोग डरे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं, लोग अपने कमरे से बाहर घरों में नहीं निकल पा रहे हैं कि पता नहीं कब मगरमच्छ उन पर हमला कर दे। और इन्हीं तस्वीरों के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के महबूबाबाद में दरअसल बारिश की वजह से एक रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया, रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया और इस वजह से वहां पर जो एक बिजली का पोल था वो रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिसकी वजह से ये पूरा जो ट्रैक था जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये क्षतिग्रस्त हो गया। और इसकी वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे ट्रैक तेलंगाना के महबूबाबाद में, जहां पर भारी बारिश हुई, भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि रेलवे ट्रैक में पानी भर गया, ये पूरा ट्रैक पानी में डूब गया था और इस वजह से ट्रैक के पास जो बिजली का पोल था ये बताया जा रहा है कि वो गिर गया अचानक से, और इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया। विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली जो सभी ट्रेनें थी उनको इसके क्षतिग्रस्त होने की वजह से रद्द करना पड़ा। तो देखिए लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश की वजह से हाल जो है बेहाल नजर आ रहा है। विजयवाड़ा की बात कर ले तो यहाँ पर पुली चिंताला डैम है जहाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके बाद डैम के कई गेट खोल दिए गए। डैम के गेट खोलने की वजह से कृष्णा नदी का जो स्तर जो है वो बढ़ गया और इसके बाद निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि अभी स्थिति जो है काबू में नहीं आ पा रही है। हालांकि स्थिति कब तक सुधरेगी ये कहा भी नहीं जा सकता है। तो ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं विजयवाड़ा की तस्वीर है, जहां पुनी चिंताला डैम जहां पर पानी ओवरफ्लो हुआ, डैम के गेट खोल दिए गए जिसके बाद निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उन्नाव की, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक अधिकारी जो कि पानी में डूब गया था, लेकिन इसी बीच गोताखोर ने उस अधिकारी की जान से ज्यादा अहमियत पैसों को दी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकार की कोशिशों पर पानी फेर देता है। दरअसल उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए थे, गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गए। घटना के बाद दोस्तों ने बचाने के लिए गोताखोर को बुलाया, लेकिन गोताखोर बचाने की बजाय 10,000 रुपए मांगने लगा। दोस्त हाथ जोड़ता रहा, लेकिन गोताखोर पहले पैसा देने की जिद पर अड़ा रहा।
दोस्तों के पास कैश नहीं था, लिहाजा 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी, यानी डिप्टी डायरेक्टर गंगा में बह गए थे। पैसे ट्रांसफर होने के बाद गोताखोर ने नदी में छलांग तो लगाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें, गंगा में डूबे अधिकारी वाराणसी में हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। अब अधिकारी की तलाश में एनडीआरएफ की टीम भी जुटी है, लेकिन अभी तक अधिकारी का कुछ पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश भर में बाढ़ बारिश से क्या स्थिति है, ये हमने आपको बताया। एक अधिकारी की जान पर बनाई है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। विदेशों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां आसमान से बारिश के बीच, आसमान से आफत के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये टर्की की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश का दौर जारी है। और आप देख रहे हैं, लोग घरों के भीतर से ही वीडियो बनाकर ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। क्योंकि देश भर में एक तरफ ये हालात बने हुए हैं, तो वहीं दुनिया में भी इस वक्त कुछ यही स्थिति है। टर्की की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त कि कैसे भारी बारिश के चलते गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों में कैद हो गए हैं, जहां तहां लोग ऐसे ही फंसे हुए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, स्पेन की तस्वीर, टर्की के बाद स्पेन की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, कैसे मलबा ऊपर से आ रहा है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से मलबा आ रहा है, और मलबे और पानी के साथ में गाड़ियां बिल्कुल बहती जा रही हैं। स्पेन के जरागोजा में तेज बारिश की वजह से ये बाढ़ आई है। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। पानी का तेज बहाव सब अपने साथ बहाकर ले जा रहा है, लोग डरे हुए हैं। और यहाँ पर भी स्पेन में भी कुछ यही स्थिति है। और साथ ही सऊदी अरब की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, सऊदी अरब में भी कुछ यही स्थिति है। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि केवल देश में ही नहीं, मतलब भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भारी बारिश के चलते परेशानियाँ बढ़ रही हैं। सऊदी अरब में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सऊदी के मदीना शहर में अचानक आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो भारत से लेकर टर्की, स्पेन, सऊदी अरब, कई जगहों पर स्थिति यही है। रिहायशी इलाकों से लेकर जो दफ्तर का एरिया है, कॉमर्शियल एरियाज हैं, तमाम रोड्स पर पानी इस तरीके से भरा हुआ है कि लोग नहीं निकल पा रहे हैं, घर से दफ्तर तक नहीं जा पा रहे हैं, और पानी इतना ज्यादा कि गाड़ियां भी बह जा रही हैं पानी के बहाव में। तो देखिए, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आसमानी आफत कहर बनकर बरप रही है। सऊदी अरब की बात करें, जापान की बात करें, तो यहां पर भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। एक मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या स्थिति जापान और सऊदी अरब में बने हुए हैं। मौसम की मार और मचा हाहाकार, तस्वीरें सऊदी अरब की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। सऊदी के अल मदीना में बारिश के कारण भयंकर बाढ़ आ गई। सड़कों पर बाढ़ का पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घरों के बीच से रास्ता नहीं बल्कि नदियां बह रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज कि गाड़ियां भी नहीं टिक पाई। इस सैलाब की जद में जो आया वो या तो डूब गया या बह गया। कुछ ऐसा ही हाल जापान में भी है। आसमानी आफत कहर बनकर बरस रही है। एक तरफ जापान के शिजुओका में मूसलाधार बारिश के कारण भारी बाढ़ आ गई, रास्ते जलमग्न है, तो दूसरी तरफ जापान के हिरात्सुका में भी भयंकर बारिश के कारण भारी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। गाड़ियां पूरी तरह डूब गई हैं, रास्तों पर भरा पानी समुद्र की लहरों की तरह उफान पर है। इससे पहले जापान में चक्रवाती तूफान शानशान भी दस्तक दे चुका है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जापान से लेकर सऊदी अरब तक हर कोई परेशान है बाढ़ और बारिश की वजह से। और अब हम आपको मैक्सिको की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, मैक्सिको में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। आप देख सकते हैं, जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, क्योंकि जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है मैक्सिको में, जहां लगातार कई देशों में बाढ़ बारिश की वजह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं, चारों तरफ पानी पानी। तो वहीं मैक्सिको में जबरदस्त ओलावृष्टि और इसकी वजह से सड़क पर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है।